गुड आफ्टरनून और आदाब। आप सभी मीडिया पर्सन्स का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर थी कि सोपोर के रफियाबाद इलाके में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट है। १९ जून 2024 को हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि रफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। इसके चलते इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सभी आसपास के घरों में पहले जो सिविलियंस थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया और उन घरों को सिक्योर किया। उसके बाद टारगेट हाउस पे हमने अपना कॉर्डन टाइट किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। इनका नाम उस्मान और उमर है और उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से एक्टिव है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इन दोनों टेररिस्ट का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जैसा कि आपको मालूम है पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बना रखा है जिसके फलस्वरूप हमें कई सफलताएं मिली हैं। इन सभी ऑपरेशंस में हमें कश्मीरी अवाम का लगातार सपोर्ट मिला है। अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करती रहेगी। थैंक यू एंड जय हिंद।